डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। एमपी उपचुनाव के प्रचार में अब दिग्विजय सिंह भी कूद गए हैं। दिग्विजय सिंह ने अशोकनगर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ज्योतिराय सिंधिया पर खूब हमले किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिंधिया ने उस पार्टी से गद्दारी की जिसने उनको सब कुछ दिया। हमारे ज्योतिराय सिंधिया जी देश में एक उभरते हुए युवा नेता कांग्रेस के, जिन्हें कि लोग बाग सोचते थे कि ये आगे चल के इस देश के भावी प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन लोगों ने ये कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिस पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया, संसद सदस्य बनाया, केंद्र का मंत्री बनाया, पार्टी में महामंत्री बनाया और नेहरू गांधी परिवार के निकटतम व्यक्ति होने के बाद पूरे सम्मान के साथ पार्टी में रहे, लोकसभा चुनाव हारने के बाद जिस पार्टी ने उन्हें चुनाव हरा दिया, आप उसी के चरणों में जाके शरण में चले गए, ये क्या उम्मीद कर सकते थे कोई ग्वालियर रियासत का महाराजा ऐसा चरित्र होगा? कोई सोच सकता था कि ग्वालियर का महाराजा, जितने बड़े रियासत का महाराजा, उनके शरण में चला जाएगा जिसने उन्हें हराया? दिग्विजय सिंह यहीं नहीं रुके। किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को घेरा और उन्हें मामू तक बता दिया। इसीलिए शिवराज सिंह मामू अशोकनगर नहीं आता, ये मामा नहीं ये मामू है और जनता को मामू बना रहा है। कहता है किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, लेकिन उसी का मंत्री कमल पटेल कहता है किसानों का कर्जा माफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसानों का कर्जा माफ होना घोर पाप होगा, पाप होगा। ये मामू का किसान मंत्री बोलता है और उसके बाद कमलनाथ जी की सरकार आई, कर्जा माफ हुआ। दिग्विजय सिंह ने चुनावी सभा में दावा किया कि जनता इस बार बीजेपी को जरूर सबक सिखाएगी और उपचुनाव के बाद शिवराज सिंह को हटाकर कमलनाथ राज की सत्ता संभालेंगे। अशोकनगर से राहुल कुमार जैन की रिपोर्ट, एमपी तक। डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ।